ओ भैंस की टांग, ओ भैंस की टांग। इतना भीड़ इस रूट पे यार, मैं कितनी बार आया हूँ ना यहाँ पे, कितनी बार आया हूँ, लेकिन इतना क्या देखा था कभी इतना ज़्यादा। एक गर्ल है जो अवेंजर चला रही है, वाह। यहाँ तो मुंह पे ही जाम मिल रहा है भाई, एंट्री करते के साथ ही जाम मिल रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और भाई आज का सीनेरियो ये है कि अभी मैं फटाफट रेडी होकर निकल रहा हूँ और हमारे हेलमेट महाराज देख रहे हो आप बैठे पड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब मैं रेडी हूँ, कब मैं उनको उठाऊँ और मैं निकलूँ यहाँ से। और अभी तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ फटाफट रेडी हो चुका हूँ, रेडी होने के बाद अभी निकल रहा हूँ मैं, एक इंटरव्यू है तो वहीं जा रहे हैं, ओखला जा रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार आई एम सॉरी मैं लाइव नहीं आ पा रहा, आई एम सॉरी मैं ब्लॉग कंटिन्यूसली नहीं डाल पा रहा, लेकिन हाँ ये है कि अब कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं पूरी तरीके से ना कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहो ब्लॉग में, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, मुझे नहीं पता कुछ भी फेंक के मारो लेकिन दबना चाहिए वो बेल आइकन ना, ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए और तुम ब्लॉग देखो। तो चलो बने रहो ब्लॉग में और देखो, चलो बाइक में मिलते हैं। व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हो SSR एडिटिंग 07। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो लाल वाला बटन है ऐसे दबाना है, बेल आइकन को जो है ऑल पे क्लिक करना है, और नीचे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब ये मेहनत कर रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर दो। और तो भाई देख सकते हो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रोड बना है ये, रात में ही मतलब ये सब डल के ना रेडी हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है और निकल चुके हैं हम। तो इसको साइड करियो, थैंक यू भाई। चलो मैडम जी, चलो चलो हटाओ, हम हो रहे हैं लेट, हम थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो रहा। तो भाई मैं अब निकल चुका हूँ सिंड्रेला लेके फर्राटेदार, और मैंने रिज्यूम रख लिया है सारी चीज़ें। तो पहुँचना है ओखला, कहाँ पहुँचना है ओखला, तो फटाफट जाएंगे अभी। और अभी मैं सोच रहा मतलब कल रात को तो मैं ये सोच रहा था भाई अभी सारा पक्का वगैरह हो गया है तो कैसे मैं जाऊँगा एंड ऑल फ्लान ना, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा था कि अगर सुबह तक नहीं सूखा तो फिर तो बैंड बच जाएगा मेरा, लेकिन सूख गया, अच्छी बात है मैं बच गया। और यहाँ पे लट्टूबाजी चल रही है, देख रहे हो भाई, पुराना पुराने दिन, वो सुहाने दिन याद आ जाते हैं सारे, जब ये हम भी लट्टूबाजी करा करते थे, कंचे खेला करते थे दिन दिन भर, रात रात भर। और देख रहे हो तिरंगे का ये हाल है, यही होता है भाई, यही होता है आफ्टर 15 अगस्त ना, सारी भक्ति इधर उधर भग जाती है। हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में ओखला पहुंचना है। एनी हाउ आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेकिन करना तो पड़ेगा रे ब्रो। तो हम निकलते हैं तेज़ी में, और मैं पहले फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, बाहर की तरफ निकल के ही बात करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये है कि एक बार निकल जाओ ना, एक बार निकल जाने के बाद ये होगा कि ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें, तो बाहर ईजिली बात करूँगा, क्योंकि मेन ज़्यादा प्रॉब्लम ना यहीं आती है यहाँ से बाहर निकलने में। यार अंदर का यही सीन है, यही लफड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार है कि अंदर से पहले बाहर जाना पड़ता है मेन रोड पे, मेन रोड पे जाने के लिए 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर हमें ये तय करना ही होता है एनी हाउ। और जितना ज़्यादा बेस्ट रूट होता है उसको मैं लेता हूँ हमेशा, जैसे कि अभी ये शूटिंग रेंज वाला रूट है, काफ़ी मैंने वीडियोस में जो है मैंने बताया हुआ है कि ये रूट काफ़ी अच्छा है, जो बाहर निकलने के लिए बहुत ही सही है, इस वजह से मैं ये रूट लेकर निकल रहा हूँ फटाफट। और भी चीज़ ये है कि यहाँ पे गेट वगैरह लगा दिया है, और ऐसा ना हो कि चलो
तो भाई बता दूँ आज ना बहुत बुरी हालत है, इतना जाम लगा हुआ है ना, इतना जाम लगा हुआ है, देख सकते हो राइट में कि कारें यूं ही खड़ी हैं। और जिधर से मुझे जाना था सुरगंज से, उधर से मैं जा नहीं पाया, तो अब मैं सूरजकुंड से जा रहा हूँ, क्योंकि भाई इधर तो जाम बहुत है। इस वजह से जो है मैंने देखा कि भाई अब बेस्ट होगा कि रुकने से बेहतर है, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है अभी भी खड़ी है, तो जाहिर सी बात है ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा होगा ना, काफ़ी जाम है। मैं अभी खुद जिंदा आँखों से देख कर आ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ, इसलिए जो है भराड़े काटते हुए मैं अब निकल रहा हूँ सूरजकुंड से। सूरजकुंड से थोड़ा सा मतलब ये होगा कि घुमा के होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा घुमा के तब उधर से जाना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं यार, जाम से बचने से तो बेहतर है कि जाम में इतना टाइम वेस्ट करो, उससे बेहतर है कि मतलब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और जाम का मालूम भी नहीं होता कब खुले कब ना खुले, तो इसलिए जो है द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि थोड़ा सा घूम कर चल लो यार, कोई नहीं। और गाड़ियाँ तो भाई आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई डोंट नो व्हाट हैपन टुडेज, आज क्या हुआ है मालूम नहीं, कि लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा देखो भाई, लिटरली इतनी गाड़ियाँ तो आती नहीं है इधर से, ऐसा फील हो रहा है मुझे ना कि मतलब वो पूरा प्रहलादपुर भी जाम है, लगा पड़ा है जाम, फीलिंग आ रही है बहुत तगड़े तरीके से, जितनी गाड़ियाँ इधर से आ रही है ना उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई उधर भी जाम ही होगा, जितने जल्दी हो सके मैं पहुँचूँ यार, लेकिन हाँ मैं लेट हो गया, लिटरली मैं लेट हो गया, 6 मिनट में कहाँ से पहुँच पाऊँगा यार, दिस नो वे पॉसिबल ही नहीं। जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई 10-15 तक जो है मैं पहुँच जाऊँ, 10 बजे का टाइम था भाई, मेरी तो वाट लगने वाली है ऐसे को। चलो 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 चलो, आई डोंट नो व्हाट हैपन सडनली यार, इतना ज़्यादा जाम क्यों, वाई दिस कोलावेरिटी ऊपर वाले, आज के दिन में ही वाई दिस कोलावेरिटी, देख रहे हो कई सारी गाड़ियाँ तो मतलब लौट कर वापस आई हैं उधर से, कई सारी गाड़ियाँ, ओ भाई ये देखो ये देख रहे हो, आई डोंट नो किधर जा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जो अंदर से जा रही हैं, कहाँ से जा रही है वो, क्या हो गया था अभी यहाँ पे, ओ भाई लाइन ही लाइन देखो, देख रहे हो मतलब गाड़ियाँ लिटरली इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन हाँ वही है कि कोई भी, ओ भैंस की टांग, इतना भीड़ इस रूट पे यार, मैं कितनी बार आया हूँ ना यहाँ पे, कितनी बार आया हूँ, लेकिन इतना क्या देखा था कभी इतना ज़्यादा, और एक गर्ल है जो अवेंजर चला रही है, वाह ये भी सही है, अपने अपने शौक है भाई, देख रहे हो यहाँ तो मुंह पे ही जाम मिल रहा है भाई, एंट्री करते के साथ ही जाम मिल रहा है, ओ भैंस की टांग, साला ये सब हो क्या रहा है बे, इसे कहते हैं एल लगना पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो ठोकर लगाते हैं ना वही वाला एल लगा है अभी मेरे भाई, अभी आड़े टेढ़े रास्तों से जा रहा हूँ क्या करूँ, लेकिन यार उधर भी जाम इधर भी जाम, आज जाम का सीन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों है ऐसा। तो भाई इंटरव्यू हो चुका है डन यहाँ पे, और मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, क्योंकि एक और इंटरव्यू है जूम पे, तो चलो उसके लिए प्रिपेयर करना है, अभी बोला है कि मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे नॉलेज एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए जो कंपनी के बारे में है, कंपनी के बारे में जानो, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो चलो उसके लिए अब मैं जा रहा हूँ घर। और भाई जो सुबह हालत थी मतलब ज़रा सा भी वो नहीं था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था भाई, हालत ख़राब हो गई थी आने में, आई होप कि ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि अब उतना ट्रैफिक ना हो, तो भाई नहीं तो वाट लग जाएगी सच में घर जाते जाते ही, और मैं ये नहीं चाहता कि मतलब अब दोबारा ऐसा हालत हो जो सुबह में हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है
दिमाग ख़राब होता है यार हेवी ट्रैफिक से, लिटरली इतना ट्रैफिक पूछो मत। एक बार और फंसा था मैं इससे पहले ना, काफ़ी इसी रूट पे फंसा था, जो कि यार पता नहीं क्यों हो जाता है यहाँ पे ट्रैफिक। इस वजह से होता है कि कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड घुसेड़ देते हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का मतलब यह है कि भाई अगर एक ट्रैफिक लगा, एक उल्लंघन गाड़ी फंसी, बड़ी गाड़ी अगर फंसी सामने से, तो भाई निकलना मुश्किल हो जाता है। और इन बेवकूफ़ों को मालूम नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझ के ये लोग घुसते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, जो कि इनके लिए हो जाता है बुरा, और फिर इनके वजह से सभी कोई भुगतते हैं। फटाफट पहले मैं घर पहुंचूं, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं आपसे। तो बने रहो ब्लॉग में और देखते रहो सप्ताह ब्लॉग, और आज से कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, डोंट वरी, और लाइव आने की भी कोशिश रहेगी। चलो मिलते हैं जल्दी। चलो शुक्र है खुदा का, वो ट्रैफिक ख़त्म है और अब ट्रैफिक नहीं है भाई, लिटरली भाई बहुत रिलीफ मिली मेरे को भाई। ए भाई बहुत रिलीफ मिली रे बाबा। अभी जो ये संघर्ष चल रहा है ना यार, लिटरली बता रहा हूँ, एक बार एक फिक्स सैलरी जो होती है ना, काफ़ी हेल्पफुल होती है अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने में, ये ध्यान रख लेना। हमेशा जब भी कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, तो मेक श्योर कि हाँ अपना आपका ना बैकअप हो, ताकि आप बाकी चीज़ें कर सकें। तो उसी में लगा हुआ हूँ मैं। तो चलो पहले पहुँचो। और अबे यार अभी भी तो ट्रैफिक लगा ही हुआ है थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अभी भी है। कोई नहीं यार, देखते हैं, निकल जाएंगे निकल जाएंगे।